बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस तरह एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, फेसबुक पेज के लिए, या अगर आप लोग फाइबर पर सेल करना चाहते हैं या कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोग एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं और लोगो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोफेशनल लोगो होगा कि अगर आप लोग इसे सेल करना चाहें तो बिल्कुल ईजिली कर सकेंगे। बहुत से लोग इंशाल्लाह आपके इस लोगो को ख़रीदेंगे। और अगर आप लोग एज आ अपना यूट्यूब चैनल का लोगो इस्तेमाल करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं, काम नहीं है। और अब आपका टाइम ज़ाया किए बगैर लिए चलता हूँ आप लोगों को एप्लीकेशन की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने पिकआउट डाउनलोड करनी है। पिकआउट डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने ओपन करना है। यहाँ पर आप लोगों ने बैकग्राउंड वाइट ही सिलेक्ट करना है क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो राइट साइड पर से स्क्रॉल करना, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ड्रॉ का ऑप्शन होता है और यूँ आप लोगों ने इधर फिल कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह इसे बना एक साइड आप लोगों ने कर लेना, ठीक है, ताकि आगे आप लोग, उसके बाद आप लोगों ने एक और इसी किस्म की लाइन खींचनी है। बस तकरीबन थोड़ी सी और खींचने के बाद अब आप लोगों ने इसे एक ही शेप में बना देना। अब आप लोगों ने वाइट अगर सेलेक्ट किया तो फिर उसके बाद आप लोगों ने यूँ करना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह ये प्रोफेशनल लगना शुरू हो जाएगा। आई थिंक ये ठीक ही है। बस अब आप लोगों ने यहाँ पर एक इसे स्ट्रोक कर लेते हैं। सॉरी, कलर मैंने वाइट ही सिलेक्ट किया हुआ था। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आप लोगों ने इसे अगेन आप लोगों ने एक सिलेक्ट करना है। अब आप लोगों ने इसके साथ इस तरह ऐड करना है कि ये थोड़ा सा लोगों ने केयरफुली करना है ताकि आप लोग इसलिए लोग सेल आपसे परचेज कर सकें। तो यहाँ आप लोगों ने इसे यूँ ऐड कर देना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि आई होप भी अच्छा लग रहा है। अब आप लोगों ने अगेन एक बार फिर वाइट यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप लोगों ने अगेन ये वाला सिलेक्ट करना है, फिल करना है। और यहाँ से अब आप लोगों ने छोटा सा यहाँ से अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक कई यहाँ भी हम कर लेते हैं। एक यहाँ कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गए। अब आप लोगों ने यहाँ से ऐड करनी है एक बार फिर एक लेयर ऐड कर लेते हैं, एम्प्टी लेयर। अब आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, ऐड फोटो करें, एक फ़ोटो ऐड करना है। यहाँ से आप लोगों को बैकग्राउंड डाउनलोड करें। फॉर एग्जांपल हम ये ऐड करते हैं, इसे यूँ कर लेते हैं। इसका शायद ये जो बैकग्राउंड है ये हमें थोड़ा सा तंग करे, ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है ये हमेशा तंग करता है, इसलिए हम लोग ये इकल वाला कर लेते हैं। अब इसे फिल करते हैं। अब इसे यूँ खींच लेना है, ऐसे खींचना है कि इसकी आंखें बस। अब एक बार फिर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप लोगों ने ये थर्ड वाला ऑप्शन लाइटन पर करना है। अब आप लोग देख सकते हैं इसकी या इससे बेहतर एक और ऐड करते हैं। सॉरी, ये वाला नहीं हम ऐड करेंगे। हम एक बार फिर लाइन की कोशिश करते हैं। ओके, इसे छोड़ते हैं यार, सॉरी, हमने इधर लाइन में ऐड करना है फोटो, ये वाला लाइन करते हैं। अब देखते हैं, शायद इट विल बी बेटर देन आवर प्रीवियस वर्क। नाउ यू आर वॉचिंग हियर, अगेन हम एक और पिक्चर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कौन से करते हैं, यहाँ से हम एक बार फिर ये पीछे ये वाला बैकग्राउंड ऐड करते हैं।
ये वाला भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। एक बार लाइटिंग को हम ख़त्म करते हैं, नॉर्मल करते हैं और इसको यूँ ऐड कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं। अब हम लोग सॉरी ऐसे हमने कंप्लीट करना है यूँ। तो फिर खींच लेते हैं, देख फिर खींचते हैं खींचते खींचते। अब ये देखिए तकरीबन, अब हम इसे एक बार फिर लाइटन करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि इसका अगर बैकग्राउंड एक बार फिर चेंज कर दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे यहाँ से डाउनलोड करते हैं। अब इसे हम ये चलते हैं इसका बैकग्राउंड मूव करने के लिए, एक बार फिर वाई फाई ऑन करते हैं और अब चलते हैं गूगल की तरफ। यहाँ पर मिस्टर गूगल, भैया क्या कर रहे हो? यहाँ से हम करेंगे इसका बैकग्राउंड रिमूव। इसके ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप लोग किस तरह किसी भी पिक का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के। जैसे सिर्फ पिक्चर अपलोड करनी है, कहाँ की हमारी पिक्चर ये वाली, बस भैया इसे अपलोड करते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर ये क्या करता है। अभी तक ये अपलोडिंग हो रही है, वाह। नाउ हम लोग अपनी मर्जी का कोई यहाँ से बैकग्राउंड लगाएं। वैसे हम यहाँ से डाउनलोड करके फिर जाकर उधर भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एडिट करना है। यहाँ से अब आप लोग खुद ही बताएंगे कि आप लोगों को कौन सा चाहिए बैकग्राउंड। यहाँ से आप लोगों ने खुद अटैच करना है। भाई हो भी जा, क्या कर रहा है तू? ये वाला, ये वाला, ये या ना हाउस इट इज़ लुकिंग। ये वाला एक बार करके देख लेते हैं कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से कोई और बैकग्राउंड चूज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ब्राउज कर लेते हैं। यहाँ से भाई किधर गई है मेरी पिक्चर्स, ये वाला हम कर लेते हैं बैकग्राउंड। अगर ये वाला करते हैं तो आप लोग देखेंगे वाह, अब ये कैसे दिखाई दे रहा है। अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि यार आप लोगों ने, अगर फिर हम कोई और बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं, ब्राउज करते हैं, वंस अगेन हम लोग ये वाला चूज़ करते हैं, इको हाउस इट इज़ लुकिंग। नो, एक बार ये वाला मेरे को अच्छा लगा है। तो अभी से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने सिंपली डाउनलोड कर लेना है। प्रीपेयरिंग इमेज फॉर डाउनलोड, डाउनलोड इमेज करना है और यहाँ से आप लोगों से लोकेशन पूछेगा, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम यह था कि मैं डाउनलोड अच्छा बैकग्राउंड नहीं कर सका। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।